नमस्कार मित्रों, फूड बेडिस के इस नए वीडियो में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। फिलहाल मैं खड़ा हूं ओम कालेश्वर नगरी में। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जहां पे आप आ सकते हो। अगर मध्य प्रदेश में आप हो, उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए आ रहे हो, तो वहां से तकरीबन 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर में आपको दूर ये पड़ता है। वहां से आप वन डे पिकनिक के टूर लेके भी आ सकते हो, आप इंदौर से भी डायरेक्ट आ सकते हो। तो चलिए मेरे साथ घूमते हैं ओम कालेश्वर। ओम कालेश्वर नगरी तक जाने के लिए आप बाई रोड ही जा सकते हो। वहाँ पे ट्रेन और फ्लाइट की सुविधा नहीं है, रोपवे की भी सुविधा नहीं है। अगर बड़े बुजुर्ग आपके साथ जा रहे हैं तो गाड़ी का प्रबंध आप जरूर से कर लें। अगर बस से आप आ रहे हो तो इंदौर से मात्र 140 रुपये में आप यहाँ मंदिर प्रांगण तक पहुँच सकते हो। बस में बैठने से पहले कन्फर्म कीजिए कि वो आपको मिनी रिक्शा में ना बैठे। और यहाँ पे हमारा हो गया, से। इसी वीडियो में आगे मैं आपको जानकारी दूंगा आप कहां से यहां तक पहुंच सकते हो, तो बजट ट्रिप करनी है तो कितना खर्चा लगेगा और कहां आप रुक सकते हो, सारा जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो बने ही रहिए एंड तक, क्योंकि कहीं बस आपको रोड पर उतार के इन छोटे रिक्शा में बैठा देंगे और उनका पैसा खुद ही दे देंगे और कहेंगे आपको कि आप ये रिक्शा मंदिर तक पहुंचा देंगे। आप ज़रूर से देखिए कि बस आपको ओम कालेश्वर बस स्टैंड तक छोड़े, जहाँ से आप 10 रुपये दे के सीधा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ये ज़्यादा सुरक्षित और कंफर्टेबल रास्ता रहेगा। मंदिर तक पहुंचने के बाद आप ये ब्रिज, दो ब्रिज से जा सकते हैं। नर्मदा नदी के ऊपर ये दोनों पुल बने हुए हैं, वहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले के ये मंदिर का रास्ता ले सकते हो। और ये वाला ब्रिज जाता है, अगर किसी को पता है वो किन की मूर्ति है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये आप देख सकते हो काफी सुनहरा अवसर आपको लगेगा यहाँ पे आके। फिलहाल मैं जब आया हूँ तब तो थोड़ी धूप है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप शाम के टाइम पे ज्यादा प्रिफर करें ताकि ये धूप से बच पाए। ओम कालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप ये बोट राइड ले सकते हो, जो कि 100 रुपये में आपको ओम कालेश्वर प्रदक्षिणा कराएंगे। अगर आप मेरी तरह बजट ट्रैवलर हो और आपको यहाँ पे नहाने और फ्रेश होने के लिए धर्मशाला चाहिए, तो यहाँ पे हर संप्रदाय का धर्मशाला उपस्थित है और यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो। पर मैं आपको सलाह दूंगा, मॉर्निंग में जल्दी फ्रेश होके आप तुरंत बस पकड़ के यहाँ पे पहुँच जाइए, क्योंकि दोपहर और शाम होते हुए यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लग जाती है। अगर आपके साथ सामान वगैरह है तो यहाँ पे आप उज्जैन मंदिर की तरह कहीं से भी प्रसाद लेके अपना सामान बहुत तड़को से नहीं वहाँ पे छोड़ सकते हो। एकदम ट्रस्टेड जगह रहती है, वीडियो उतरते रहेगा। बाकी आगे दुकानें बहुत सारी आपको मिल जाएगी, यहाँ की लोकल कलाकृतियाँ, चाय वगैरह, नारियल फूल वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यही रास्ता आपको मेन मंदिर प्रांगण तक लेके जाएगा। छोटे बच्चों के खिलौने से लेके हर एक चीज़ आपको ये गलियारों में मिल जाएगी। हालांकि दूसरा रास्ता एक मंदिर की तरफ से भी होके जाता है और यहाँ पे बहुत ठंडक आप महसूस कर सकते हो, क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, पर जैसे ये स्ट्रीट में आ चुके हैं एकदम अलग ठंडा हवा चलने लगी है। बहुत अमेजिंग लगने लगा, जैसे लगता है कि बाहर से एकदम एसी में आ चुके हैं। हेलो भीड़ तो जो भीड़, जैसा कि मैंने आपको कहा, दोपहर या शाम होते होते भक्तों की बहुत भारी मात्रा में यहाँ भीड़ देखने को आपको मिलेगी। मैं आपको सलाह दूंगा आप सुबहरे जल्दी आके दर्शन कर सकते हो या फिर शाम को भी आके दर्शन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे VIP दर्शन हो ही नहीं सकते। हमने बहुत कोशिश की, पैसे देखने के बाद भी आप VIP दर्शन 3 घंटे या 4 घंटे के बाद कर सकते हो। हालांकि भगवान जी के दर्शन के लिए आप थोड़ा बहुत इंतज़ार तो कर ही सकते हो, और यहाँ प्रशासन अपनी पूरी कोशिश करता है कि भक्तों को कोई प्रॉब्लम ना हो।
कुछ 15 या 20 मिनट या आधे घंटे तक आपको यहाँ पे वेट करना हो सकता है। तो मैं सलाह दूंगा आप अपना सामान कहीं उचित जगह पे रख के आगे बढ़े, और बच्चे वगैरह है, बुजुर्ग वगैरह है तो उनको साथ में लेके चले। हर जगह पे फैन और पानी की सुविधा आपको मिल जाएगी। बाकी खूबसूरत नज़ारे देखते देखते ओम कालेश्वर जी का नाम लेके ही आप आगे बढ़ सकते हो और शीघ्र ही आपके दर्शन हो जाएंगे। जूते चप्पल अगर आपने कहीं नहीं रखे तो आपको यहाँ पे भी जगह मिल जाएगी, और ये वाला जगह जो है जहाँ से VIP दर्शन भी होते हैं, आप देख सकते हो भारी मात्रा में लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। काफ़ी सारी बोट का आवाज़ आपको सुनने को मिलेगा, और यही रास्ता लेके आप वापस बाहर की तरफ जा सकते हैं। आपको भीड़ भारी मात्रा में देखने को मिलेगी पर आसानी से पहुंच जाएंगे। शाम होते ही आपको भीड़ भारी मात्रा में बढ़ती हुई दिखेगी, तो मेरी सलाह रहेगी फिर से कि आप सुबह या शाम मंदिर के दर्शन कर लीजिए जितना हो सके उतना जल्दी, ताकि ये भारी भीड़ का सामना ना हो। बाकी अपने सामान, बच्चों का, बुज़ुर्गों का ध्यान रखते हुए भीड़ में लग के भी आप दर्शन आराम से कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण में वापस यहाँ से निकल सकते हो, और हम जा रहे हैं हमारा दोपहर का लंच करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको लोकल ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको सात्विक खाना खाना है तो भी मिल जाएगा, हालांकि फास्ट फूड और जंक फूड भी यहाँ पे बहुत मिलेगा। अगर आपको उचित लगता है तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी आप ये लॉज पे आके थोड़ा गुजराती खाना, जो सब्जी, रोटी, दाल, चावल जो भी है, आप यहाँ पे आराम से खा सकते हो। बाकी ये 10 रुपये में रिक्शा आप पकड़ के आ जाइए बस स्टैंड की तरफ, जहाँ से आपको इंदौर जाने के लिए वापस बस मिल जाएगी। यहाँ पे है ओम कालेश्वर बस स्टॉप, जिसको न्यू बस स्टॉप भी कहा जाता है, और ये बस में आपको प्रॉपर सीट मिले तभी बैठना, ताकि खड़े खड़े आपको कहीं जाना ना पड़े। 140 रुपये जाने का किराया रहेगा, और अगर आप कार लेके भी आते हो तो यही रास्ता आपको। ऐसे ही अच्छे वीडियो लेके हम आते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले। कुछ भी सजेशन देना चाहते हो और कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय।